आइए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, चौथी स्टेप की ओर, जिसका नाम है इरिगेशन, जिसको सिंचाई भी कहते हैं। तो इरिगेशन में क्या होता है, चलो हम कभी कभी बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद हम टैबलेट्स लेते हैं। टैबलेट्स हम वैसे ही लेते हैं क्या? एक कौन सी तो टैबलेट है हम मुंह में डालते हैं, मुंह में डालने के बाद हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि गले से नीचे उतरे, सिर्फ यही रीजन है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, वो गले से नीचे भी उतर सकती है, उसमें भी मदद होती है, लेकिन पानी की मदद से वो जो टैबलेट है वो पानी में घुल मिल जाती है, और ये जो पानी जिसमें पूरी टैबलेट मिक्स हो चुकी है वो हमारे बॉडी में जो भी ब्लड है उसमें सर्कुलेट होके जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और जो भी चीजें रहती है वो हमारे पूरे बॉडी में उसका सप्लाई होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी पानी की जरूरत रहती है, जैसे कि प्लांट्स भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उसे भी पानी की जरूरत होती है। तो उन्हें पानी की जरूरत क्यों होती है? आपको पता है कि जो प्लांट के रूट्स रहते हैं वो रूट्स क्या करते हैं? मिनरल्स एंड वाटर रूट के माध्यम से लेते हैं, और ये मिनरल्स और वाटर पूरे प्लांट में जाके जहां पे खाना बनता है, फैक्ट्री पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज लीव्स, वहां पे जाता है ना। तो और एक चीज, पानी अगर प्लांट में हो तो वो हरा दिखता है। आप जब सूखे हुए पेड़ देखते हो, सूखे हुए पत्ते देखते हो, इसका मतलब ये है कि वहां पानी का सप्लाई नहीं है। अगर पानी का सप्लाई ना हो तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं हो पाता, और इसकी वजह से जो पत्ते रहते हैं उनका ग्रीन कलर वो सूख जाता है और वो येलोइश बनता है। ठीक है, तो पानी ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है पौधों के लिए भी, उनके खुद के जीने के लिए। ठीक है, तो ये पानी हम पौधों को किस तरह से दे पाते, क्रॉप को पानी देने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन के लिए हमें पानी का सोर्स चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब खेती की खोज हुई तब आदमी कहाँ जाके रहने लगा? नदियों के किनारे जाके रहने लगा, है ना। तो जैसे नदी, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, और जैसे हम कहते हैं कैनल्स। अच्छा ये बताओ, कैनल्स, कैनल्स यानी क्या रहता है? कैनल्स को हम कह सकते हैं एक आर्टिफिशियल नदी। ठीक है, नदी कैसे जाती है? अपने हिसाब से ऐसे ऐसे मोड़ के जाते। ये कैनल कैसे रहते हैं? जो सीमेंट से बनते हैं ये आर्टिफिशियल रहते हैं, इसे आदमी बनाता है। ये क्या होता है? इसे सीधा जाता है। ठीक है, और वहां पे नदियों का पानी मोड़ के उस कैनल में लाया जाता है। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में सबसे बड़ा कैनल ये राजस्थान में है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, तो ये जो कैनल्स है, दूसरा एक डैम्स रहते हैं, अपने सरदार सरोवर सुना है ना, तो वो कहाँ पे? नर्मदा नदी के ऊपर था, अभी जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये जो है डैम्स, कैनल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, और एक है जैसे कुआं, वेल। तो ये जो सारी चीजें है ये है सोर्सेस ऑफ वाटर। इसके जरिए से हम पेड़ पौधों को पानी दे पाते हैं। ये तो हुआ सोर्स, और ये जो हुआ प्लांट, ये जो हुआ प्लांट, चलो मान लो ये प्लांट है ना, ये हुआ डेस्टिनेशन। तो ये सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हम जो वाटर रहते हैं वो वाटर हम किस तरह से लेके जाएंगे, हम किस तरह से ये पानी वहां लेके जाके उस पौधों को एक डिसाइड किए हुए इंटरवल में, एक डिसाइड किए हुए अंतर से हम पानी देते हैं। अलग अलग सीजन की फसल रहते हैं, जैसे खरीफ हो, रब्बी हो, है ना, तो उनको भी पानी की आवश्यकता। जो क्रॉप पैटर्न है वो क्रॉप पैटर्न के अनुसार, जैसे खरीफ हो या रब्बी, जैसे मान लो खरीफ क्या रहता है? रेनी सीजन रहता है। तो खरीफ में हम चावल की खेती करते हैं। चावल की खेती क्यों? देखो, चावल की खेती के लिए हमें पानी की ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो पानी हमें सबसे ज्यादा कौन सी सीजन में मिल पाएगा? ऑफ कोर्स बारिश के सीजन में। तो इसीलिए हम पानी ज्यादा होने के कारण बारिश के सीजन में चावल की खेती करते हैं। तो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हम पानी किस तरह से लेके जाएंगे ये हम अभी पढ़ेंगे। तो इरिगेशन, सिंचाई, हम दो तरीके से खेत को पानी दे पाते हैं। जैसे कि पहला ये जो है ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक पद्धति से, और दूसरा है आधुनिक पद्धति से, मॉडर्न पद्धति से। ट्रेडिशनल पारंपरिक पद्धति में क्या आता है? सबसे पहले आता है मोट। मोट में क्या रहता है? जो कुआं रहता है, कुएं के ऊपर एक पुली लगाई जाती है। पुली यानी क्या है? एक छोटा सर्कुलर डिस्क रहता है, जैसे छोटे स्कूटी का जैसे टायर हो उसी आकार का, और उसके ऊपर जो रस्सी लगाई जाती है, और वो जो सर्कुलर डिस्क रहते हैं वो कुएं के ऊपर ऐसे टांग दी जाती है। उसकी मदद से एक तरफ बकेट
और दूसरी तरफ हम अपने हाथों से हम उसकी मदद से पानी कुएं से निकाल पाते हैं, और वो पानी कुएं से ऊपर निकालने के बाद हम अपने हाथों से खेत को पानी दे पाते हैं। ये है मोट। दूसरा एक है चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, अगर चलो मान लो जो पानी का सोर्स है वो बहुत दूर है ना, जो जो आपका कुआं बहुत दूर है और आपका खेत दूसरी साइड पे, तो उस कुएं से आपके खेत की तरफ पानी लाने के लिए चेन का यूज किया जाता है। उस चेन की मदद से वहां से पानी लाया जाता है और आपकी खेती में पानी दिया जाता है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो। तीसरा वन ढेकली। ढेकली में क्या होता है, ज्यादातर एक पुल्ली लाइक सिस्टम रहता है। पुल्ली में कैसे रहता है, वो जो टायर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है वो कैसे हम एक कुएं के ऊपर लगाते हैं और वहां पे रस्सी डाल के, रस्सी की मदद से हम क्या करते हैं उसको खींचते हैं और पानी नीचे से ऊपर लाते हैं। ये भी ढेकली भी एक उसी टाइप का है, लेकिन आपने सीसॉ देखा होगा, गार्डन में सीसॉ खेले होगे, ये सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर है। ढेकली में क्या रहता है, कुएं के बाजू में, कुएं के नजदीक सीसॉ लाइक स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया जाता है, बैठाया जाता है, और उसकी एक तरफ कौन सा तो बड़ा पत्थर डाला जाता है और दूसरी तरफ बकेट लटकाई जाती है। अगर आपको पानी लाना है, आपको पानी अगर नीचे से ऊपर लाना है, तो वो जो पत्थर रहता है वो पत्थर को ऊपर उठाया जाता है, या फिर उसका जो वेट रहता है पत्थर का वेट निकाल दिया जाता है, और जो दूसरा वेट रहता है जिसमें बकेट रहता है उसका जो वेट अपने आप बढ़ता है और वो नीचे जाके उसे पानी भरता है। अभी नीचे पानी भरा है, वो पानी ऊपर कैसे लाए, तो उसके लिए ये जो पत्थर रहता है वो पत्थर फिर से उसको लटका दिया जाता है। ये पत्थर का वेट तो हेवी रहता है, उससे क्या होता है वो बकेट अपने आप ऊपर आते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, इट्स जस्ट लाइक सीसॉ। और चौथा है राहट। राहट यानी हमारे मराठी में राहट गाड़गो नाम का वर्ड है। तो ये राहट क्या रहता है, एक पहिया रहता है और उस पहियों को अलग अलग छोटे 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 बकेट लगाया जाता है, पहिया सर्कुलर घूमता है और धीरे 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 वो सारे बकेट में पानी भरता है। तो ये जो पहिया सर्कुलर घूम रहा है वो किसके मदद से घूम रहा है, उसका कनेक्शन बाजू में ही एक जगह पे लगाया जाता है जिसको बैलों से जुताया जाता है। आपने बहुत बार आपके शायद कॉलोनी में भी आए हो, गन्ने का जूस निकाल देते हैं, एक ती पहिया रहता है, तीन पहियों वाला गाड़ी रहता है, उसमें क्या रहता है ऊपर एक रॉड रहता है, और उस रॉड को घुमाने की मदद से क्या होता है नीचे वाले जो साइकिल रहते हैं, नीचे वाले जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहते हैं वो घूमते। तो बिल्कुल वैसे ही राहट में भी वो जो रॉड रहता है उसको बैल क्या करते हैं खींचते हैं, और ये जो फोर्स रहता है इस फोर्स से मदद से वो जो टायर रहता है, वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, वो जो व्हील रहता है वो घूमता है और पानी हम ऊपर लिफ्ट कर पाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आप मॉडर्न तरीके, इरिगेशन के मॉडर्न तरीके क्या है। जैसे पहला है स्प्रिंकलर। आपको कम समय में कम मेहनत लेके ज्यादातर खेत में, अगर चलो मान लो आपका खेत बहुत बड़ा है तो वहां पे अगर पानी डालने के लिए आप ट्रेडिशनल जो वे रहते हैं, ट्रेडिशनल जो मेथड्स रहते हैं उसका यूज करोगे तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन आप उसकी जगह अगर मॉडर्न तरीके का यूज करो, जैसे कि स्प्रिंकलर है और ड्रिप है, तो आप कम समय में ज्यादातर एरिया में पानी दे पाओगे। चलो मान लो स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर में क्या रहता है, स्प्रिंकल आपको पता है जो मूवी में बारिश होती है वो बारिश कैसे होती है, ये स्प्रिंकलर ही रहते हैं। हमारे घर में शॉवर रहता है, शॉवर से जो पानी आता है वो कैसे होता है, स्प्रिंकलर रहता है ना। आप डीओ यूज करते हो, डीओ में क्या रहता है, स्प्रिंकलर रहता है ना, छोटे 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 फव्वारे बाहर आते हैं। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें क्या रहता है, बड़े बड़े पाइप आपके खेत के अंदर से डाले जाते हैं और जैसे मान लो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसमें बीच बीच में, तो उस पाइप के अंदर से पानी इतने प्रेशर से जाता है, इतने प्रेशर से डाला जाता है, रॉड के सबसे नोक पे क्या रहता है, स्प्रिंकलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे नल कैसा है। तो जैसे ही पानी प्रेशर से उस पाइप के अंदर से जाएगा तो वो जो स्प्रिंकलर रहता है उसके ऊपर वाला वो क्या होता है, वो घूमने लगता है अपने आप। और इससे क्या होता है, वो जो पानी रहता है, पानी के जो फव्वारे रहते हैं वो ज्यादातर एरिया में फैल पाते हैं। ये है स्प्रिंकलर, इसे हम कहते हैं तुषार सिंचन, ठीक है। तो स्प्रिंकलर किन चीजों के लिए यूज किया जाता है, अपने गार्डन में लॉन देखे होंगे तो वो लॉन के लिए, जो कॉफी की खेती की जाती है उस कॉफी की खेती में, कॉफी के बगीचे में देखिए हम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम यानी क्या रहता है, ये जो पानी रहता है ये पानी डायरेक्ट जो पौधे रहते हैं पौधे के रूट तक जाता है बिना कहीं वेस्टेज हो के। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, पानी हर जगह पे बैठता है, जहाँ पे पौधे ना हो वहां पे भी पानी गिर सकता है, दो पौधों में काफी सारा अंतर रहता है। तो वो जो अंतर रहता है उसमें क्या होता है, अगर मान लो आपने पानी दी तो कुछ दिनों के बाद क्या रहता है, वहां पे तन आते हैं, अलग तरह के घास आती है। तो ये स्प्रिंकलर का वो डिसएडवांटेज है,
ये डिसएडवांटेज, ये नुकसान रोकने के लिए हम ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो पानी वेस्टेज नहीं होता, दूसरी चीज ये कि पानी का इवापोरेशन भी नहीं होता। तो इन सब मेथड्स में ड्रिप सिस्टम काफी अच्छा और किफायतमंद साबित हुआ है। स्प्रिंकलर एंड ड्रिप, ये जो इरिगेशन के मेथड्स है, ये उस जगह पे काफी फायदेमंद साबित होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमतरता हो, पानी बहुत कम हो। तो इस जगह पे हम ज्यादातर अगर ड्रिप का इस्तेमाल करें तो पानी तो बिल्कुल वेस्टेज नहीं हो पाएगा और हमें अच्छी खासी फसल मिल पाएगी।